our new chapter, chapter number 4. You are what you eat. You are what you eat. In this chapter, we will read about the healthy nutrients, about the food, about the bad things, contaminated food, chemical disease. So, you are what you eat. This chapter का meaning है कि आप जो eat करते हैं, आप जो खाते हैं, आप जो अपना diet में लेते हैं, उसी से मिलकर आपकी body बनती है। अब हमें इस chapter में ये देखना है कि जो हम खाते हैं, जिससे हमारी body मिलकर बनी है, क्या वो daily routine में हमारे लिए beneficial है? क्या वो healthy diet है? हम जो खाते हैं वो proper amount में हमें जो वैसे नीड है हमारी न्यूट्रिएंट्स की, क्या वो हमें मिलती है? तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे, चैप्टर का नाम है यू आर व्हाट यू ईट। हम जो खाते हैं उसी से हमारी बॉडी बनती है। बॉडी बनती है मींस ग्रो हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, एनर्जी चाहिए, तो वो हम खाएंगे तभी तो मिलेगी ना। तो उसे बॉडी energy from the food we eat when we are
लाइन कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें हमारा एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी जो है डिक्रीज करना पड़ रही है, तो हमें एनर्जी को गेन करना है। तो एनर्जी को गेन करने के लिए हमारी बॉडी टायर्ड फील कराती है हमें, सो वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी। अब हम एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं? हम एनर्जी लेते हैं फूड से जो हम ईट करते हैं। और जब हम बहुत भूखे, जैसे अभी आपका आप एक एग्जाम्पल देखा मैंने आपने आईडा सैंडविच और पैकेट ऑफ चिप्स का एग्जांपल था, अगर जो हम भूखे हैं सैंडविच है और पैकेट है चिप्स का, क्या वो हमारे हंगरनेस को सेटिस्फाई कर सकता है क्या? द पैकेट ऑफ चिप्स मे बी टेस्टी व्हेन कंपेयर्ड टू द सैंडविच बट मे नॉट बी एज हेल्दी। द पैकेट ऑफ चिप्स मे बी टेस्टी व्हेन कंपेयर्ड टू द सैंडविच बट मे नॉट बी एज हेल्दी। बेटा देखो चिप्स का पैकेट हमें हेल्दी नहीं, हमारी हेल्दी नहीं है, हमें टेस्ट ही लग सकता है, तो मे बी हम टेस्ट की वजह से सैंडविच के कंपेयर में इसको प्रेफर करें, चिप्स के पैकेट को प्रेफर करें, हम वो खाना पसंद करें, लेकिन वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। हमारे लिए हेल्दी है पैकेट ऑफ चिप्स और सैंडविच में से सैंडविच हमारे लिए हेल्दी है। सैंडविच हमारे लिए क्यों हेल्दी है और चिप्स का पैकेट हमारे लिए हेल्दी क्यों नहीं है, ये दोनों मैं आपको रीजन बता दूँ। देखो पहले हम एक बात देखते हैं बोर्ड हैविंग ईटिंग हैबिट्स इंक्लूड ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ड्रिंकिंग इनफ वाटर रेगुलर। हैविंग ईटिंग हैबिट्स इंक्लूड ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ड्रिंकिंग साथ ही साथ कौन जो बेसिक नीड्स है हमारी बॉडी को वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो क्या इम्पोर्टेंट है देखिए, वाटर, राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सफिशियंट वाटर जिसकी हमारी बॉडी को नीड है या जितना पानी हमें डेली पीना चाहिए। अब हमें हेल्दी फूड की तो हम बात कर रहे हैं कि हेल्दी फूड होना चाहिए, हमारा जो इको सिस्टम है वो सब जो है न्यूट्रिएंट्स पर डिपेंडेंट है और वो सब ठीक है, वो बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ जो बेसिक नीड्स है कभी कभी हम उनको भूल जाते हैं। जैसे हमने जल्दी से ईट किया, फूड ईट किया, खाना खाया और हमें खेलने जाना है, हमें कोई ऐसा काम करना है जिसकी हमें जल्दी, तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी से खाना खा के थोड़ा सा पानी पी के चले जाते, होता है ना ऐसा? और ऐसे फिर जो है हमें वो लेना है जो हमारी हेल्थ के लिए गुड हो।
इंद्रनाम रखेंगे। अगर इस तरह के न्यूट्रिएंट्स को हम रखेंगे हमारी बॉडी में स्टोर करके तो हम हेल्दी रहेंगे, और अगर ज्यादा फैट लेंगे तो ये हमारी बॉडी के लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। ऑन पेज नंबर 60 बुक एक्टिविटी 4.2 इमेजिन योर बैचेस ऑफ फिश, यू कैन चूज वन फूड दैट यू वुड लाइक टू ईट फॉर ऑल योर मील्स। ठीक है, आपकी एक ग्रैंड विश ये है कि ऐसे कीजिए कि आपको फूड में से जो फूड आपको पसंद है उसमें से चूज करना है, विच फूड वुड यू चूज एंड व्हाई। तो आपको ये देखना है कि कौन सा फूड जो है आपको पसंद है और क्यों पसंद है। तो फूड आप खाना चाहते हैं या जो चूज करना चाहते हैं आपको पसंद है और क्यों पसंद है, व्हाट न्यूट्रिएंट्स डू यू थिंक आर प्रेजेंट इन दैट फूड, कौन से न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट है फूड में, ये लिखना है। वो जो क्लासी में ये क्वेश्चन जो है आपकी चॉइस पे अकॉर्डिंग है, जो फूड आपको पसंद होगा उसी से रिलेटेड आंसर होंगे, इसलिए सबके सेम आंसर्स नहीं होंगे। सो प्लीज डोंट डिस्कस ऑन द कॉल। वो जो क्लासिफाइड चॉइस ऑफ फूड इज हेल्दी और जंक फूड, जो आपको फूड पसंद है कि आपको लगता है कि वो हेल्दी है या जंक फूड है, इज योर चॉइस ऑफ फूड गुड और बैड फॉर योर हेल्थ, गिव टू रीजंस नॉट फॉर टेस्ट। देखिए आपकी जो चॉइस है वो आपकी हेल्थ के लिए गुड है बैड है, वो फूड आपके लिए गुड है या बैड है, नॉट फॉर टेस्ट। आई एम नॉट आस्किंग फॉर द टेस्ट, आई एम आस्किंग फॉर द हेल्थ। यहां हेल्थ से रिलेटेड eating the same kind of food every meal will not provide a body with that required nutrients, ye bhi bahut important point hai। eating the same kinds of food for every meal will not provide a body with the required nutrients। to hum kya karte hain jab food eat karte hain daily routine mein jo hum food eat karte hain to kya हम जो फूड ईट कर रहे हैं आपको क्या लगता है हमें सेम सेम न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखिए अगर ऐसा है तो हमें हमारे फूड में 2-3 डिशेस लाइक ये मैं आपको बताऊंगी वो ऐड करना चाहिए, ताकि उससे क्या हो हमें सेम टाइप के न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। अगर सेम सेम टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन जो और Thank you।